नमस्कार। जय माता की, जय मा दुर्गा, जय मा काली, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि। मैं शर्मन राजपूत, माँ दुर्गा रिकिन लामा फेरा हीलिंग सेंटर चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जय नांगे बाबा जी। आज का जो टॉपिक है पितरों के बारे में, क्योंकि पितृपक्ष शुरू होने वाला है 28-29 को, श्राद्ध जिसको बोलते हैं। पहली बात तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि लोग, कई लोग ऐसे हैं जो पहनावे पे मतलब पूरा फैंसी बन के रहे, यो करें, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, एनर्जी पे ध्यान नहीं देते। लेकिन हम लोग सिंपल रहता हूँ, मैं सिंपल ही कपड़े पहनता हूँ, कोई कितना मेरे को जोर लगा लो, मैंने ऐसे रहना है। मेरा काम अपना पूजा करना, मेडिटेशन करना, एनर्जी बढ़ाना है, हीलिंग देना है, सिखाना है। अपना पहनावा कैसा पहनता हूँ, कैसा नहीं पहनता हूँ, मेरा अपना इंडिपेंडेंस ही है। तो सबसे पहले मैं जिन्होंने पितरों की हीलिंग करवा रखी है उनसे एक बताना चाहता हूँ कि जो हीलिंग करवा चुके हैं, जब हीलिंग कंप्लीट होती है तो मोस्टली हीलिंग से पहले हम लोग बताते हैं कि भाई जब हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब आपका जो आपके जो पितर हैं, जो पूर्वज हैं, या जो घर से गए हैं, वो आपसे जो मांगते, आपको हम रिकॉर्ड मैसेज भेजते हैं भी आप ये डोनेट कर देना। जब आप डोनेट कर देते हो और वो सारा पितर हीलिंग भी कंप्लीट हो जाती है, महीने में एक अमावस्या आती है, तो हमेशा हम ये बोलते हैं कि एक अमावस्या महीने में आती है, उस दिन खाना निकाल के गौशाला में या मंदिर में डोनेट कर दिया करो पितरों के नाम, ताकि पितरों की एनर्जी बनी रहे। मोस्टली लोग कुछ करते हैं, मोस्टली करते ही नहीं, भाई हीलिंग होगी बस खत्म। तो आप सभी से यही है कि आप महीने में एक बार अमावस्या को खाना बना के, ज़्यादा नहीं बना सकते तो 2 रोटी 5 रोटी सब्जी, कुछ हलवा पलवा बना के थोड़ा बहुत कर दो, उससे एनर्जी बनी रहती है। और अब पितरों की हीलिंग जो भी करवाना चाहता है, पितृपक्ष में करवाना चाहता है, श्राद्धों में उससे पहले शुरू करवाना चाहता है, तो बहुत एक्यूरेट सही एकदम से शांत हीलिंग जाएगी, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है, चलने वाला है, और उससे पहले ही शुरू हो जाती है। और जिन्होंने करवा ली है पहले, जिन्होंने अपने पितरों की एनर्जी गेन बढ़ानी है, एक्स्ट्रा बढ़ानी है, जैसे पॉजिटिव और करवाना है, वो भी एडिशनल एनर्जी हीलिंग पितरों की करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करवा सकते, अगर इच्छा है तो करवा सकते हैं, अदरवाइज बार बार करवाने की जरूरत नहीं। लेकिन जिन्होंने एनर्जी गेन करवानी है, पॉजिटिव एनर्जी और ट्रांसफर करवानी है पितृ पे, पितृ देवता पे, तो आप भी एक्स्ट्रा हीलिंग यानी कि दोबारा से हीलिंग करवा सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता, एनर्जी ही बढ़ती है। और पितरों में मोस्टली पितृ पक्ष में श्राद्धों में स्पेशल पितरों के दिन ही होते हैं, तो एक जिनको नहीं पता कि श्राद्ध किसका, श्राद्ध कौन सा, श्राद्ध किसका है, जैसे हम लोगों को याद है अपना, जैसे हमारे परिवार में भी इस दिन तीज पे किसका है, पंचम पे किसका है, सप्तम पे किसका है, एकादशी पे किसका है, मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि कौन सा किसका श्राद्ध है। तो उनका तरीका एक ही होता है कि आप श्राद्ध वाली अमावस्या को इकट्ठा ही खाना बना लो सभी पितरों के नाम का, जिनको नहीं पता भाई श्राद्ध कौन सा किस देवता से, किस पितर से, जिन्हें पितरों के बारे में नहीं पता। वैसे तो जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में है, जैसे मैंने सुना है, जैसे हमारे पूर्वज करते हैं, हमारे बुजुर्ग करते हैं घर में, जैसे किसी की मृत्यु, यानी जो भगवान के पास मान लें एकादशी को गया है, तो उसका श्राद्ध एकादशी को होगा, जो तीज को गया है उसका श्राद्ध तीज को होगा, जो पंचम को गया है उसका श्राद्ध पंचम को होगा, मतलब किसी भी डेट पंचम होनी चाहिए या एकादशी होनी चाहिए, वो काउंट करो जिस डेट पे, जो देसी महीने में जो दिन होगा वही श्राद्ध का दिन उस इंसान का माना जाता है। अदरवाइज अमावस्या को इकट्ठा, जिसको नहीं पता अमावस्या को इकट्ठा कर सकते हैं, एक तो खाना बना के निकाल सके, 16 उसमें अलग अलग थोड़ी थोड़ी ढेरी बना के उनको एक थोड़ा थोड़ा लोटा लोटे यानी कि छोटी लुटिया लेकर उसमें थोड़ा डाल के सूर्य को पानी दें और साथ में दक्षिण की तरफ मुख करके पानी दें, बाकी वो बाहर रख दें या गौशाला में दे दें,
वैसे तो कौवे को खिला जाता, कौवे नहीं मिलते आजकल, तो गौशाला में दे दें। तो जिसको भी पितरों की एक्स्ट्रा हीलिंग करवाने, जो पहले करवा चुके वो भी करवा सकते हैं, करवाने की जरूरत नहीं है, मतलब जिन्होंने करवा ली, मैं वैसे ही बोलो, जिसको इच्छा है कि हम पॉजिटिव एनर्जी और दें पितरों को, तो एडिशनल करवा सकते हैं लोग। अब जिन्होंने नहीं करवाई है वो डेफिनेटली करवा सकते हैं, जरूर जिन पे पितर दोष है, क्योंकि श्राद्धों में हीलिंग सिर्फ ये जो 16-17 दिन होते हैं श्राद्धों के, ये सारे पितरों के होते हैं, पितर देवताओं के होते हैं। और मैंने पहले से पहली वीडियो में मैं आपको बताया था कि पितर दोष दो टाइप का होता है, एक तो जन्म कुंडली में होता है, जो उसके पितर तो जन्म कुंडली में है, तो आप पितरों को पितृ पूजा करवाने के बाद भी, पितृपक्ष पूजा करवाने के बाद भी वो कुंडली में शो होता रहेगा, क्योंकि कुंडली के अंदर है, एक घर में बैठा हुआ है, वो ग्रह बैठे हुए हैं, ग्रह जब चेंज होंगे तो परमानेंट ही होते हैं वे ग्रह, जहाँ बैठे होते हैं जन्म से जो बैठे होते हैं, तो पितृदोष शो होता रहता है उसमें, पितृदोष रिमूव हो चुका होता है, लेकिन कुंडली में जिसका पितृदोष होता है शो होता रहता है। एक होता है जो परिवार से जो गए हैं दुनिया छोड़ के, भगवान जी के मतलब यूनिवर्स में गए हैं, उनको प्रॉपर तरीके से गति नहीं हो पाई है, वो अलग पितर टाइप होते हैं। ये मैंने वीडियो बना चुका हूँ पहले, ये तो मैंने आज वीडियो इसलिए बनाई है कि पितृपक्ष शुरू होने वाला 28-29 को, उससे पहले भी बेस्ट हीलिंग पितरों की होगी, उसके बाद उसके अंदर भी बेस्ट हील, अदरवाइज तो 12 महीने ही हम लोग पितरों की हीलिंग करते हैं। और एक्यूरेट 100% रियल हीलिंग करते हैं, जो चीज हमारे सामने आता है वो आपको बताया जाता है, परमानेंट हीलिंग होती है। उसमें कई बार काल सर्प दोष भी आता है, तो किसमें अगर कम काल सर्प दोष है कम, तो पितृ दोष में हम उसको रिमूव कर देते हैं, जिसका ज्यादा उसका अलग से हीलिंग करके वो रिमूव करवा सकता है, ग्रह शांति वगैरह वगैरह सब कुछ मोस्टली हीलिंग में फॉर्मेट में आ जाता है। बाकी तो आपको पता है लामा फेरा में, सालिक मंत्रा में, और हुंकारा विद हलीम, और भी हीलिंग में ब्लैक मैजिक, तांत्रिक नेगेटिविटी, स्प्रिट आई, सारा कुछ क्लीन हो जाता है। तो जिसने भी हीलिंग करवानी है कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ करवा सकते हैं। और जिसने सीखना है, देखिए हमारी सीखने की फीस सेम रहती है, वो हमारी फेसबुक वाले नहीं है कि जी 2100 रुपये में इतना ग्रुप को सिखा रहे हैं, 5100 में इतने ग्रुप को सिखा रहे हैं, हम इंडिविजुअल अटोनमेंट देते हैं, तो हमारी फीस उतनी रहती है। हमारे पास चाहे महीने में एक स्टूडेंट सीखने के लिए आओ, चाहे हमारे पास 10 सीखने के लिए आओ। सेकंड, सीखने के बाद भी जब भी जो सीख के गए हैं यहाँ से, जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं उस कोर्स के बारे में, दूसरे कोर्सों के बारे में भी पूछते हैं, हम बता देते हैं, ये नहीं कि हम नहीं बताते, भी आपने सिर्फ ये कोर्स हमसे किया है तो हम सिर्फ इस कोर्स के बारे में आपको बताएंगे, दूसरे के बारे में भी जितना हमें आता है हम बता देते हैं। तो पितरों की हीलिंग जरूर करवाइए, पितृ पूजा जरूर कीजिए, आपके घर में सुख समृद्धि सक्सेस हैप्पीनेस सब कुछ प्राप्त होता है, घर से लड़ाई झगड़ा दूर होता है, घर में प्रेम भाव बना रहता है, बीमारियां खत्म होती हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि, जय नागे बाबा जी। अपना ध्यान रखें और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मोस्टली अपने व्हाट्सएप पे सभी को जय माता की बोलता हूँ, और ब्लेसिंग मोस्टली जाती हैं, तो आप लोग हमारे लिए भी थोड़ी बहुत दुआ कीजिए, हमें भी जरूरत होती है, जब हीलिंग करते हैं हम कई बार बीमार हो जाते हैं। थैंक यू, जय माता दी।